यूं तो गुलाबी नगर जयपुर की दीपावली पूरे देश में प्रसिद्ध है और खास तौर पर जयपुर की रोशनी, लेकिन दीपावली से बहुत पहले ही बाजारों में दीपावली की रौनक होने लगती है और उसकी तैयारियां भी तेज हो जाती है। लेकिन इस बार व्यापारियों के सामने, खास तौर पर चार दीवारी के बाजार के व्यापारियों के सामने बड़ा संकट है। अनियंत्रित यातायात और अव्यवस्थित पार्किंग, ये दो बड़े रोग इस व्यापार को ऐसे लगे हैं जिससे ग्राहकों का आना तक बाजार में मुश्किल हो रहा है। चारदीवारी के बाजार के ज्यादातर व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर बाजार में बिल्कुल सुचारू यातायात हो और उसके साथ व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था ग्राहकों को उपलब्ध करवा दी जाए तो ग्राहकों की ओर से बाजार में आवक तेज हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जयपुर के बाजार संकुचित होते जा रहे हैं पार्किंग की वजह से। ज्यादातर वाहन सड़क के बीच तक पार्क हो जाते हैं या फिर ग्राहकों को पार्किंग की जगह ही नहीं मिल पाती और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है व्यापारियों को, क्योंकि अब चार दीवारी में ग्राहक आने से कतराने लगता है। इसी को लेकर अब व्यापार मंडल मुहिम चलाने में है। व्यापार मंडल के ज्यादातर प्रतिनिधियों का कहना है कि जल्द ही इस बारे में सरकार के साथ बात की जाएगी। दीपावली के इस मौके पर अगर ये हाल रहे तो फिर व्यापार का प्रभावित होना निश्चित है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि सरकार और व्यापारी दोनों मिलकर इसका कोई न कोई हल निकाल लेंगे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहले भी समस्या उठाई गई थी। सबसे पहली समस्या है ट्रैफिक, जो पूरे जयपुर में लेकर अधिकतम जाम बड़ी चौपड़ से लेके और त्रिपुलिया जंक्शन तक। सरकार के द्वारा नोटिफाइड है हमारे बाजार में 2 घंटे की पार्किंग, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। अगर ये 2 घंटे की पार्किंग को अगर जो नोटिफाइड है इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो तो ट्रैफिक को, आम जनता को, ग्राहक को, सभी को इसका लाभ मिलेगा। दीपावली को लेकर क्या तैयारी चल रही है अपने बाजार? दीपावली तो सबसे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। हिंदुओं का क्या, अब तक तो हर देशवासी है। हम लोग भी बाजार को तिरंगे की थीम पे इस बार सजाने का प्रयास करेंगे, लेकिन समस्या सिर्फ एक ही है कि अगर आम आदमी इस भीड़ भाड़ को देख करके आ ही नहीं पाए तो ये मुश्किल के अलावा और कुछ नहीं। पिछले दिनों हमारे विधायक श्री अमीन गांधी ने हम सभी लोगों के बीच में ये वादा किया था कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1 करोड़ रुपया वो देंगे, जिससे CCTV कैमरे लगवाएंगे। और मैं समझता हूँ कि 2 महीने बाद जब चुनाव है तब तक कोई पता नहीं क्या हो पाएगा। अभी तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं जी। आप लोग बार बार समस्याएं उठाते हैं जी। हमारी समस्या मेन मुद्दा है, समस्या हमारी बापू यार में ई रिक्शा की समस्या और आसपास गलियों की पार्किंग की समस्या है। जो गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं वह नहीं हो रही। दूसरी बात, दीपावली का भी हमारा जोर शोर से हर साल करते हैं, हर साल चालू होगा, डेकोरेशन है, उसमें पूरा महत्व देना चाहिए अधिकारियों को। पार्किंग की व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से होनी चाहिए, ई रिक्शा की सुचारू रूप से ट्रैफिक की होनी चाहिए। अध्यक्ष हरदास मल तोलानी, आपके अध्यक्ष बनने के बाद क्या कार्य हुए यहाँ पे? अच्छे यहाँ अच्छे कार्य हुए, सड़कें अच्छी बन गई हमारे कार्य करने के बाद। कचरा डीपो था वहाँ से हट गया, बहुत अच्छा काम हुआ है। लाइटें लग गई, ये भी अच्छा काम हुआ है बहुत। लाइटें लगी है, ये भी अच्छा काम हुआ है बहुत। और बाकी ऐसा कोई काम नहीं था, बाकी सारे काम अच्छे हुए। एक आपने कोशिश की हो लेकिन वो कार्य अभी तक हुए नहीं? नहीं नहीं नहीं, हमने कोशिश की, वो सारे कार्य हमारे पूरे हो गए, सफल हुए सारे। और चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव से सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से हमारी समस्या होगी, सरकार को बोल देंगे, हमारी पूरी करेगी। पहले ही पूरी की है सरकार ने हमारी, अभी पूरी करेगी। जो भी सरकार है हमारी सरकार पूरी क्या करेगी, हमारी कोशिश जारी रहेगी और हमारी बात सुनती है सरकार। कोई भी सरकार हो हमारी बात सुनती है, पहले भी सुनी अभी भी सुनी। बापूजार में ऐसी कोई मेजर बहुत बड़ी समस्या नहीं है, दो छोटी सी हमारी तक समस्या है।
इसमें तो समस्या है पार्किंग की, आसपास गलियों के अंदर बहुत सारे मॉल्स वगैरह बनते जा रहे हैं, दुकानें खुलती जा रही हैं, पर वहाँ पार्किंग की समस्या, पार्किंग नहीं है उनके पास, वो सब लोग बापूजार में पार्किंग करी जाते हैं, इससे ग्राहकों को हमारे पार्किंग नहीं मिल पा रही है। दूसरी एक हमारी समस्या है, जो एक तिराहे पर लाल बत्ती चालू हुई थी पहले सागनी गेट पे, जो संजय बाजार और बापूजार को जोड़ती थी, उसको बैरिकेड को वापस बंद कर दिया गया है। तो हमारी सरकार से है उम्मीद कि वो लाल बत्ती को वापस चालू कराया जाए और इस रास्ते को खुलवाया जाए। दीपावली को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? दीपावली हर साल की तरह इस बार भी बड़े धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, पूरे बाजार को सजावट करेंगे और ग्राहकों को अच्छा रहता है, टूरिस्ट भी खूब आता है, तो दिवाली जैसे हर साल मनती है उससे अच्छी तरीके से लाइटिंग करके बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ गए, तो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं व्यापारी? सरकार से हमने जो भी सरकार आज तक आई है, हमने जो भी हमारी समस्याएं रखी है सबका हमारा समाधान हुआ है। इस बार भी हमारे जो विधायक थे उनके सामने, हमारे जो पार्षद उनके सामने जो हमने समस्याएं रखी थी, सबका हमारा समाधान हुआ है। बापूजार में ऐसे बहुत बड़ी कोई समस्या है नहीं, आने वाली जो भी सरकार हमारी आएगी उनसे हम साथ। हमारे यहाँ अभी धंधा पानी में बिल्कुल भी नहीं है, कि इसका कई कारण है कि हमारे मार्ग में बहुत सारे अतिक्रमण हो रहे हैं, इससे बाहर के आदमी नहीं आ सकते, इसीलिए गरीबी हो रही है और हर आदमी अपने अपने हिसाब से नहीं बेच सकता, ग्राहकों के भाव लग रहे हैं और हमारे रास्ते में बहुत दुकानों के बाद में भट्टियां और चिंगेटर ये काफी हो सकता है, कभी भी जानमान की हानि हो सकती है। हमारे यहाँ अतिक्रमण हटेगा, बाजार से कारें और रिक्शे आएंगे, जब भी व्यापार धंधा बढ़ सकता है। ओके, यहाँ पे सारा चौराहे पे अतिक्रमण रहता है, शुरुआत में एंट्री जहाँ रहती है वहाँ से सारा अतिक्रमण रहता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, चार पांच हलवाइयों की दुकानें हैं वहाँ पे जो बाहर लगा के रखते हैं, पूरा रास्ता जाम रहता है, जिससे व्यापार में बहुत कमी हो गई है। कृपया करके सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि इसको थोड़े जल्दी से जल्दी खुलवाने की कोशिश। दीपावली को लेकर क्या तैयारी? दीपावली पे तो अभी कोई स्कीम नहीं रखी। क्या तैयारी करते हो दीपावली? दीपावली पे नया स्टॉक ला के रखा हुआ है, तैयारी की हुई है पूरी पूरी दुकानों का। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन थाम रही हाथ, इज्जत की बढ़ती होगी सुधरे हालात, दिव्यांग अनाथ बुजुर्गों की सुनी, दिव्यांग विधवाओं बुजुर्गों की सुनी, राजस्थान में रौनक चौकुनी।